दानिश कहाँ है मेरे भाई, आजा लौट के, हर कोई तेरा वेट कर रहा। सखियां ने मेनू मेरे बार दिया, कुटिया ने चला गला प्यार दिया, शाम नू तू किथे की दे नाल बनाया। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं कब्र के अंदर और मैं आपको अभी दानिश जैन का कब्र दिखाता हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और गाइस बहुत दिनों बाद कुछ अलग मेरे चैनल पे आ रहा है, और जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल लेके इस वीडियो पे क्लिक किया है। यस गाइस, आज हम जा रहे हैं फाइनली दानिश जैन के कब्र के वहाँ पे, जैसे कि बहुत टाइम हो गया मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ, और बहुत लोग चाहते थे कि मैं वहाँ पे जाऊँ कब्र के वहाँ पे, आप लोगों को कब्र दिखाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, 2022 चल रहा है और अभी कब्र कैसा है, वहाँ पे कब्र वगैरह है कि नहीं, ये भी हमें देखना था। और मैं बहुत टाइम से चाह ही रहा था कि दानिश जैन की कब्र के वहाँ पे जाऊँ, तो आज फाइनली मैं आ चुका हूँ कुरला, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको दानिश जैन की कब्र तक कैसे पहुँचना है। आप कहाँ से भी ना पहले कुरला स्टेशन पे आ जाओ, और कुरला स्टेशन पे आने के बाद खारप्लान के वहाँ पे 8 नंबर का जो प्लेटफॉर्म वगैरह उसके ऊपर जाके आपको ईस्ट में जाना है, जैसे कि वहाँ का एक ब्रिज है वहाँ पे ऊपर, आपको ईस्ट में जाना है। मैं वहाँ पे जाके भी आपको बताता हूँ, आपको ईस्ट में जाना है और वहाँ पे जाके आपको किसी को भी पूछना है कि कसाईवाड़ा कब्रिस्तान कहाँ पे। अगर आप किसी को भी पूछते हो कि कसाईवाड़ा कब्रिस्तान कहाँ पे, तो आपको कोई भी बता देगा कि वो कब्रिस्तान कहाँ पे जहाँ पे दानिश जैन का कब्र है। तो आज फाइनली मैं आ चुका हूँ कुरला फिलहाल, तो कुरला में आप मेरे पीछे स्टेशन देख सकते हो, हम लोग अभी फिलहाल है कुरला में, और मैं अभी यहाँ से जाने वाला हूँ कसाईवाड़ा कब्रिस्तान में जाने वाला हूँ दानिश भाई का कब्र देखने के लिए 2022 में। अंदर एंट्री है कि अलाउड है कि नहीं वो तो पता नहीं है, बट देखना है कि 2022 में दानिश भाई का कब्र वहाँ पे है कि नहीं, और अभी कैसा है वहाँ का कब्र भी देखना मुझे बहुत मन था। मैं पहले भी जा चुका हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो है, बट मेरा मन था कि फिर से एक बार वहाँ पे जाके आऊँ, तो आज मैं फाइनली कुरला हूँ और जा रहा हूँ दानिश भाई के कब्र के वहाँ पे, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ दानिश भाई का कब्र। तो दानिश जैन के फैन है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलो गाइस जाते हैं कब्र के वहाँ पे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊँगा कैसे जाना है वहाँ पे। चलो गाइस जाते हैं आगे। और आप लोगों को मैं एक बात सजेस्ट करूंगा कि गाइस कभी भी आप कब्र में आते हो ना, तो व्हाइट रंग का टी शर्ट पहन के आया करो, क्योंकि वो अच्छा होता है कब्र में जाने के लिए। ऐसा रंगी भी रंगीन कपड़ा पहन के मत आया करो, कभी भी कब्र के पास जा रहे हो, किसी के भी कब्र के पास, जैसे कि दानिश जैन के कब्र के पास मैं जा रहा हूँ, मैंने स्पेशली व्हाइट कपड़ा पहना है, और कब्र के वहाँ पे व्हाइट ही कपड़ा अलाउड होता है, तो व्हाइट कपड़ा पहन के जाएंगे। एंड जब भी आप कब्र के अंदर जाओ, तो आपके शूज या फिर आपके जो चप्पल होते हैं उसे खोल के अंदर जाया करो, क्योंकि वो अच्छा होता है। अगर आप शूज पहन के अंदर जाओगे या चप्पल पहन के अंदर जाओगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आज फाइनली हम दानिश जैन के कब्र में जा रहे हैं, भाई लेजेंड है आप लोगों को पता ही है, उनके कब्र में जा रहे हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है मन के अंदर से कि भाई की कब्र के वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग कुरला में ही है, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, हम लोग कुरला स्टेशन के वहीं पे है, तो अभी यहाँ से जाते हैं दानिश जैन के वहाँ पे। तो गाइस यहाँ से हमें नीचे जाना है, और जैसे कि सामने देख सकते हो, यहाँ से ये जो हार्बर लाइन का प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर आना है, और सबसे कोने में आने का इस जगह पे, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। यहाँ पे कुछ इस तरह का सीन है, आप लोग यही देख के यहाँ पे फॉलो करके आना, और यहाँ से नीचे जाना है हमें, और ये आसपास का कुछ ऐसा है यहाँ का, तो यहाँ से नीचे जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और ये यहाँ पे हार्बर लाइन का स्टेशन है, तो आपको यहाँ से ऊपर आके ये रोड, आपको ये प्लेटफॉर्म आपको याद रखना है, और ये देख सकते हो सामने का कुछ इस तरह नज़ारा है, इसी प्लेटफॉर्म पे आना है, और यहाँ से हम नीचे जाएंगे अभी। तो गाइस फाइनली हम लोग 8 नंबर स्टेशन से नीचे आ चुके हैं, और अब हमें यहाँ पे जाना है, इस तरफ जाना है। 8 नंबर से जैसे नीचे आओगे ना, आपको वहाँ पे एक स्ट्रेट रास्ता दिखेगा, उस स्ट्रेट रास्ते को आपको फॉलो करना है। अगर आप वहाँ पे फॉलो करते हो तो आपको वहाँ पे जो वहाँ पे कब्रिस्तान है ना, कसाईवाड़ा कब्रिस्तान, किसी को पूछोगे भी आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर आप सीधा भी जाओगे ना वहाँ पे, तो भी आपको सामने मस्जिद दिख जाएगा, उस मस्जिद के अंदर ही कसाईवाड़ा कब्रिस्तान, जैसे कि मैं अभी आगे जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ प्रॉपरली कि कैसा जगह और कहाँ से जाना है वहाँ पे। ये दानिश तो गाइस फाइनली मैं कसाईवाड़ा कब्रिस्तान के थोड़ा सा लेफ्ट में खड़ा हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं 2 बार आ चुका हूँ यहाँ पे पहले भी। और कसाईवाड़ा कब्रिस्तान गाइस आप मेरे पीछे मस्जिद देखते रहोगे, मस्जिद यहाँ पे जो मस्जिद दिख रहा है ना, इसके अंदर कसाईवाड़ा कब्रिस्तान। और गाइस मैं इसके पहले भी 2 बार यहाँ पे आ चुका हूँ, अंदर जाके ब्लॉग बना चुका हूँ दानिश भाई की कब्र का, लेकिन मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना यार, पता नहीं मैं इतना नर्वस क्यों हो जाता हूँ कि मुझे अंदर जाने के लिए सोचना पड़ता है कि मैं कैसे जाऊँ अंदर। हालांकि अंदर 2-3 ऐसे लोग भी है जो मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से, और यहाँ के बच्चे लोग भी मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं 2 बार आ चुका हूँ बहुत अच्छे से, तो फिर मुझे थोड़ा मतलब दोस्ती यारी हो चुकी है मेरी इस जगह पे कोई कोई लोगों से। लेकिन पता नहीं मैं जब भी यहाँ पे ब्लॉग के लिए आता हूँ ना, मैं अंदर से नर्वस हो जाता हूँ, सोचता हूँ कि अंदर जाओ कैसे, अंदर ब्लॉग बनाओ कैसे, ये मेरे दिमाग में आता है। लेकिन ना भाई मेरे को अच्छा लगता है यार दानिश जैन का वीडियो बनाना, वो बंदा बोलते ना एक लेजेंड बंदा था यार, मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं दानिश जैन को जानता भी नहीं था एक टाइम पे, जब उनका ऐसा इंतकाल हुआ, डेथ हुआ, तब मुझे पता चला कि दानिश जैन नाम का एक लेजेंड था हमारे मुंबई में, वो भी कुरला में, मेरे घर से ज़्यादा नहीं आधा घंटे की दूरी पर एक लेजेंड था। तो मैं चाहता था कि ये ब्लॉग में वो जल्दी कवर करूँ अपने चैनल पे, और फाइनली आज मैं कुरला में आया हूँ कसाईवाड़ा कब्रिस्तान के पास,
जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हो कब्रिस्तान है, मतलब मस्जिद है उसके अंदर कब्रिस्तान है। तो फिलहाल तो आप देख सकते हो कितना गर्मी में पसीना भी बहुत आ रहा है। तो दानिश भाई के फैन हो, फैन बॉय लवर हो, तो प्लीज़ वीडियो को बहुत दबा के लाइक करना, क्योंकि जाता हो अभी अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको दानिश से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और अलग अलग कंटेंट चैनल पर आपको देखने मिलते हैं। तो हम लोग जाते हैं पहले अंदर, आपको दिखाते दानिश भाई का कब्र 2022 में कैसा है, वहाँ पे क्या नहीं है, ये सब आपको मैं दिखाता हूँ इस ब्लॉग में। तो जाते पहले अंदर एंड आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये है कसाईवाड़ा कब्रिस्तान, और जाते हैं इसके अंदर। और गाइज लोग हम लोग दानिश भाई के लिए फूल ले रहे हैं उनको वहाँ पे, वो कब्र के वहाँ पे रखने के लिए। देखो हम लोगों ने फूल ले लिया यहाँ पे, आज क्या दानिश, तो भाई को चढ़ाने के लिए फूल वगैरह भी ले लिया हम लोगों ने। तो अभी अंदर जाते हैं, मेरे को कब्र पता है तो ढूंढने में इतना टाइम नहीं लगेगा, फूल जो है वो चढ़ाते हैं। साल की उम्र में तू हम सबको छोड़ गया, अल्लाह को तू इतना प्यारा मुख तेरा वो मोड़ गया, दिल का अच्छा अंदर बच्चा तू था मासूम लड़का कुरला का स्टार, परिवार तेरा मध्य मरगा बचपन से वो तेरा ख्वाब कुछ अलग करने का, शौक चढ़ा तुझे धीरे धीरे रैपिंग करने का, चाल ढाल दुनिया को वो तेरी समझ आने लगी चाहने वालों। तो गाइस फाइनली हम लोग ना कसाईवाड़ा कब्रिस्तान के अंदर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ कब्र ही कब्र है, और अब मुझे पता तो है कि यहाँ पे दानिश भाई का कब्र कौन सा वाला है। मुझे 100% श्योर हो कि वो कब्र ही है, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा मेरे इसी चैनल पे एक ब्लॉग है पहले से, जब मैं दानिश भाई की कब्र पे आया था, वो मुझे कब्र बहुत अच्छे से पता है यहाँ का। तो मेरे को अभी कब्र ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप कभी कब्र पे आते हो ना गाइस, तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना कि अगर यहाँ पे कभी भी आओगे तो व्हाइट टी शर्ट में आने की कोशिश करना, व्हाइट रंग के कपड़ा पहन के आने की कोशिश करना, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर व्हाइट टी शर्ट पहन के आओगे तो वो अच्छा होता है। और दूसरी बात, जब भी आप किसी भी कब्र के अंदर जाओगे, मतलब कब्र के अंदर एंट्री करोगे, जैसे कि अभी मैं यहाँ से अंदर जाऊँगा क्योंकि दानिश भाई का कब्र वहाँ पे है, तो अभी मैं यहाँ से अंदर जाऊँगा तो आपके पैर में शूज़ होंगे या तो चप्पल होंगे ना, जो भी है ना, आप शूज़ या चप्पल को खोल के ही अंदर जाना, ऐसे चप्पल में या शूज़ में अंदर मत जाना, ये अच्छा नहीं होता। फिलहाल तो हम लोग आ चुके कब्र के पास, और हमने फूल वगैरह भी ले लिया दानिश भाई को चढ़ाने के लिए। तो अभी अंदर जाते हैं, आपको दानिश भाई का कब्र दिखाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है भाई की कब्र के पास जब भी आऊँगा ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई का कब्र देखने, आंखों के सामने देखने मिल रहा है। और फिलहाल कब्र के पास है, आपको लोगों को कब्र दिखाता हूँ कि कैसा है 2022 में, कब्र वैसा है कि नहीं कि चेंज हो गया है। मैं आपको आगे जगह दिखाता हूँ वहाँ पर दानिश भाई का कब्र है, जो लोग जाते हैं वहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइस फाइनली मैं आ चुके हैं कब्र के अंदर, और मैं आपको अभी दानिश भाई का कब्र दिखाता हूँ। मुझे पता है गाइस पहले से ही, और देखो गाइस यहाँ पर ज़्यादा दूर भी नहीं है, आपको ना वहाँ से आना है, वहाँ से यहाँ पे आना है, और यहाँ पे देखिए गाइस एक ऊपर आने का रास्ता है, यहाँ से ऊपर आना है, और ये सामने ही आपको ये जो यहाँ पे बैनर दिख रहा है ना, इस बैनर के बाजू वाला ये जो कब्र है ना गाइस, ये दानिश भाई का रियल कब्र है। ये आप लोगों को भी पता होगा और सभी को पता है कि यही दानिश भाई का रियल कब्र है, और मैंने इसके पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई, और बहुत सारे ब्लॉगर इसके ऊपर वीडियो बनाते रहते क्योंकि ये दानिश भाई की रियल कब्र है। दानिश भाई को इसी के अंदर दफनाया गया है, आप लोगों को पता ही होगा। मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, बट आप लोगों को लगता है कि वीडियो फेक है, इसके लिए आप लोगों को बताना पड़ता है कि यही दानिश भाई का रियल कब्र है। लास्ट टाइम भी आप यहाँ पे आया था, आप लोगों ने देखा होगा कि इसी कब्र को मैंने दिखाया, और आप लोग अगर यूट्यूब पे सर्च भी करते हो ना गाइस लोग, तो आप लोगों को ना यही वीडियो, मतलब यही कब्र का जो व्लॉग है ना, वो सभी चैनल पे देखने मिलेगा। इसके अलावा कोई दूसरे जगह का कब्र का वीडियो नहीं होगा, यही कब्र है जिसमें वीडियो है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने ना फूल वगैरह लाया था दानिश भाई की कब्र पे चढ़ाने के लिए, तो मैं अभी ये फूल वगैरह चढ़ाता हूँ। मैंने एक अंकल को पूछा कि कैसे कब्र पे फूल वगैरह चढ़ाते हैं, तो मेरे को पता है कि कैसे चढ़ाते, तो मैं चढ़ाता फूल को। इस वीडियो से गाइस लोग कोई हेट मत फैलाना, ये वीडियो का मोटिव बस इतना है कि जो लोग मुंबई के बाहर हैं, जो लोग दानिश भाई की कब्र में नहीं आ पाते, और जो लोग दानिश भाई के बहुत बड़े फैन हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनकी कब्र को देखना चाहते हैं, बस उनके लिए ये वीडियो है। हेट मत फैलाना, मेरे दिल में भी दानिश भाई के लिए बहुत सारा प्यार है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को कब्र दिखाने के लिए आया हूँ। ना मैं व्यूज़ के लिए, ना मैं लाइक के लिए, ना सब्सक्राइबर के लिए आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ ताकि आप लोग भी देख सको। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं दानिश भाई के कब्र का ब्लॉग बनाऊँ, इसके लिए मैंने फाइनली ये वीडियो बनाया दानिश भाई के कब्र के वहाँ पर। तो गाइस फाइनली मेरे नीचे देखो गाइस दानिश भाई का कब्र है, लोग तरसते हैं इनकी कब्र को देखने के लिए, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो सपना देखते हैं कि दानिश भाई का कब्र कभी हम देखेंगे, कब हम मुंबई जाएंगे, कब हम कुर्ला में जाके दानिश भाई का कब्र देखेंगे, और फाइनली मैं कब्र के पास ही खड़ा, और बहुत लोग चाहते हैं भाई कि उनका कब्र देखूं हम, लेकिन हमारे वीडियो के द्वारा वो लोग को देखने मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को हेट मत फैलाना यार, मैं बस उन लोगों के लिए बनाता हूँ ये सब वीडियो दानिश भाई का कब्र का, कि जो लोग मुंबई के बाहर है, बहुत सारे फैन हैं, आप लोगों को पता ही होगा, लेजेंड है हमारे भाई, तो पूरे ऑल कंट्री में इनका बहुत नाम है, लेजेंड है हमारे दानिश भाई, तो बाहर के लोग भी चाहते होंगे कि इनका जो वीडियो वगैरह है, जो कब्र वगैरह वो हमें देखना है, तो वो लोग देख नहीं पाते, मुंबई में आ नहीं पाते कभी, तो उनका देखना भी नहीं होता। तो हमारे वीडियो के द्वारा अगर उनके चेहरे पे स्माइल आ रही, भाई का कब्र देख सकते हैं, उनका एक सपना पूरा हो रहा है, इसके लिए मैं कब्र के वहाँ पे आके आज फाइनली ब्लॉग कर रहा हूँ और आप लोगों को कब्र दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो देख के। भाई प्लीज़ इस वीडियो को हेट मत करना, प्यार देना, सपोर्ट दिखाना, दानिश भाई के सच्चे लवर हो, फैम बॉय आर्मी के लवर हो, तो इस वीडियो को प्यार दोगे, ना कि हेट दोगे।
तो चलो गाइस यहाँ से निकलते पहले एंड आपसे बाहर मिलता हूँ मैं। तो गाइस लोग पहले दानी जन की कब्र के वहाँ पे ना एक बैनर था जिससे मालूम पड़ता था कि ये दानी जन का कब्र था, जिसमें नाम वगैरह लिखा था। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा और आप लोगों ने वैसे भी बहुत बार देखा होगा कि उनके कब्र के वहाँ पे एक बैनर के वहाँ पे पूरा डेथ पेयर्स वगैरह लिखा है और उनका नाम वगैरह लिखा है। लेकिन अभी ऐसा नहीं क्योंकि कब्र चेंज होती है ना यहाँ पे, इसके लिए वो हटा दिया गया, लेकिन कब्र वही है दानिश जैन की। और फाइनली मैंने आज आपको कब्र दिखाया दानिश भाई का, हमारा लेजेंड का कब्र दिखाया आप लोगों को। वीडियो को हेट मत, वीडियो को प्यार देना ताकि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट वाला दानिश जैन से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। दानिश जैन के सच्चे लवर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बाकी कुछ नहीं, आज की वीडियो बस यहीं तक मैं खत्म करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड टेक।